बिरला शिशु विहार राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोत्तम 3 विद्यालयों में हुआ शामिल। विद्यालय में जश्न का माहौल। पिलानी कस्बे स्थित बिरला शिशु विहार को ग्लोबल स्कूल लीडरशिप कंसोर्टियम इंस्पायर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। यह अवार्ड ऋषि हुड यूनिवर्सिटी सोनीपत हरियाणा के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम में प्राचार्य पवन वशिष्ठ को CEO GSLC, पंकज शर्मा CEO ऋषि हुड यूनिवर्सिटी साहिल अग्रवाल ने प्रदान किया। शिक्षा के क्षेत्र में विगत वर्षों में दिए गए विशिष्ट योगदान के लिए बिरला शिशु विहार पिलानी को GSLC इंस्पायर अवार्ड द्वारा सम्मानित किया गया है। इस सम्मान समारोह में BET निदेशक मेजर जनरल SS नायर, डॉक्टर अशोक पांडे निदेशक एहलकॉन ग्रुप तथा डॉक्टर अनुराग त्रिपाठी सेक्रेटरी CBSE और राष्ट्रीय स्तर के 50 से अधिक प्रसिद्ध शिक्षाविद सम्मिलित हुए एवं शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे नवाचार पर विस्तृत चर्चा की गई। के बिरला शिशु विहार जो कि बिरला एजुकेशन ट्रस्ट प्लानी का एक महत्वपूर्ण अंग है, विच इज डिलीवरिंग द एजुकेशन टू द डे स्टूडेंट डे एज ए डे स्कूल, हैज बीन कन्फर्ड एंड अवार्डेड विद दिस प्रेस्टीजियस अवार्ड ऑफ अमंग द इन द कैटेगरी ऑफ टॉप 3 अपकमिंग स्कूल्स एट द नेशनल लेवल। आई कॉम्प्लीमेंट माई टीचर्स, माई स्टूडेंट्स एंड द मैनेजमेंट फॉर देयर कंटिन्यूस सपोर्ट एंड गाइडेंस विच हैज help and which has helped the school to progress year by year and scaling the new heights. Basically, इसका purpose यही होता है इन awards का। एक तो ये third party assessment होते हैं जो school के results रहते हैं कि school ने overall development के लिए क्या क्या activities organize की, किस तरीके से उन्होंने पेरेंट्स और स्टूडेंट्स कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए या उनकी लर्निंग को एनहेंस करने के लिए क्या क्या अप्रोचेस अडॉप्ट करी, NEP की इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड किस तरीके की शिक्षा पद्धति स्कूल में चलाई जा रही है और कितने इफेक्टिव वे में चलाई जा रही है, इन्हीं सब आधारों से, इन्हीं के एविडेंसेस के बेसिस पे ये अवार्ड्स जो है डिसाइड किए जाते हैं। वेतन वृद्धि की मांग को लेकर विद्या विहार नगर पालिका में कार्यरत सफाई कर्मियों ने प्रदर्शन करते हुए सूरजगढ़ SDM को सौंपा ज्ञापन। आज दिनांक 25 जुलाई को विद्या विहार नगर पालिका पिलानी के अस्थायी सफाई कर्मचारियों ने अपनी वेतन वृद्धि की मांग की कोई सुनवाई नहीं होने के कारण सूरजगढ़ SDM को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में वेतन वृद्धि की मांग करते हुए लिखा गया है कि 5 वर्ष से उनके वेतन में कुछ भी बढ़ोतरी नहीं की गई है, इतनी महंगाई में मजदूर अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करे। इस दौरान ज्ञापन देते समय पिलानी भीम आर्मी के कार्यकर्ता भी उनके साथ शामिल हुए। तहसील अध्यक्ष रवि चंदेलिया, तहसील अध्यक्ष कोषाध्यक्ष राहुल चावरिया, आजाद समाज पार्टी पिलानी के वार्ड अध्यक्ष रमेश लदड़ तथा वार्ड नंबर 10 के अध्यक्ष रवि पवार, भीम आर्मी वार्ड अध्यक्ष संजय, राधेश्याम, मुकेश, विशाल, अयूब खान, सचिन, विनोद, विजेश, शंकरलाल, प्रताप चंद सहित अन्य लोग मौजूद रहे। आज हम SDM के पास गए थे हमारी वो मांग पूरी करने के लिए। सैलरी अभी कोई फैसला नहीं हुआ। हमने नगर पालिका में 10 दिन पहले धरना दिया था और ज्ञापन किया कि हमारी इनकी मांगे पूरी की जाए, लेकिन नगर पालिका की तरफ से भी हमें ना कोई भी प्रशासन नहीं मिला है। इनकी मांगे थी कि इनकी सैलरी बढ़ाई जाए। अभी इनको 6,000 दे रहे हैं और अब इनकी घटा के 5,200 रुपए कर दिए। हाँ बिल्कुल कर दिए, 5,200 में कैसे काम चलेगा इनका। भाजयुमो की ओर से निकाली गई तिरंगा रैली कारगिल शहीद दिवस से पूर्व निकाली गई यात्रा। भाजयुमो की ओर से तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। शहर के विवेकानंद चौक तिरंगा स्थल से तिरंगा रैली का आयोजन शुरू हुआ। कारगिल शहीद दिवस से पूर्व निकाली गई इस रैली में DJ के साथ बाइक रैली भी आयोजित की गई। देशभक्ति से ओतप्रोत गीतों पर लोग शहीदों को याद किया। भाजयुमो के जिला अध्यक्ष जय सिंह माठ की अगुवाई में निकाली गई इस रैली में विवेकानंद चौक से शुरू होकर कबूतरखाना, पुराना बस स्टैंड, सूरजगढ़ मोड़ होते हुए सोमरा फार्म हाउस पहुंची, जहां रैली का समापन हुआ, जहां कार्यकर्ताओं को भाजयुमो जिला अध्यक्ष जय सिंह माठ ने संबोधित भी किया। देखिए कल विजय कारगिल दिवस है, इसी के उपलक्ष्य में एक दिन पूर्व भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा आज चिड़ावा शहर के मंडल स्तर पर
कार्यक्रम किया गया है, जिसमें तिरंगा यात्रा के रूप में हम गांधी चौक से यहाँ सूरजगढ़ बाईपास तक युवा मोर्चा के कार्यकर्ता व आमजन इसमें भाग लेकर के यहाँ तक पहुँचे हैं।